नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो, लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, जिन अभिभावकों के बच्चों के या बच्चियों की शादियां तय हो गई हैं, वो सभी मुहूर्त जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। तो आज आपको मैं बताता हूँ कि सन 2019 में कब कब विवाह के योग बनेंगे। ऐसे देव उठनी ग्यारस के पश्चात विवाह के योग प्रारंभ हो जाते थे, लेकिन इस वर्ष क्योंकि 13 नवंबर को गुरु अस्त हो जाएंगे और गुरु अस्त होने के पश्चात किसी प्रकार का कोई भी मांगलिक कार्य हमारे सनातन धर्म में नहीं किया जाता है, इसलिए 13 नवंबर से 8 दिसंबर तक गुरु अस्त रहेंगे। उसके पश्चात मलमास लग जाएगा। ऐसे 12 और 13 दिसंबर को कुछ तारीखें पड़ती हैं, लेकिन वो उतनी ज़्यादा शुभ नहीं है, इसलिए अब 2018 में किसी प्रकार का कोई भी मुहूर्त, क्योंकि गुरु अस्त हो जाएंगे उसके बाद मलमास लग जाएगा, तो किसी प्रकार का कोई भी मुहूर्त नहीं बनता है। मुहूर्त बनेगा 17 जनवरी से, तो 17 जनवरी से लेकर के 2019 दिसंबर तक की मैं आपको तारीखें बताता हूँ किन किन तारीखों में विवाह के योग बनते हैं। पहले जनवरी 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27 और 29 जनवरी को विवाह के योग बनेंगे। फरवरी में 1 फरवरी, 8, 9, 10, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 26 और 28 फरवरी को। इसमें 10 फरवरी को बसंत पंचमी है, जो कि अनबुया मुहूर्त होता है, उस समय आप बगैर मुहूर्त के भी आप शादी कर सकते हैं। मार्च में 2 मार्च, 7, 8, 9 एवं 13 मार्च को शादी के योग बनेंगे। अप्रैल में 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 को। मई में 2 मई, 6, 7 मई को अक्षय तृतीया है, जो कि अनबुझा मुहूर्त होता है। 8, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 28, 29 और 30। जून में 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25 और 26। जुलाई में 7 और 6 जुलाई को मुहूर्त बनेंगे। इसके पश्चात नवंबर में देव उठनी ग्यारस के पश्चात 2019 में 8, 9, 10, 14, 22, 23, 24, 30 और दिसंबर में 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 और 12। तो मित्रों, 2019 में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक कौन कौन सी तारीख में मुहूर्त बनेंगे, यह मैंने आपको बताया। अलग अलग पंचांगों में अलग अलग भी तिथियां रहती हैं, अलग अलग जगह के पंचांगों में इनके अलावा और कुछ तिथियां भी हो सकती हैं, जो अपने क्षेत्रीय ज्योतिषियों से मिल करके, वहाँ के पंचांगों से देख करके आप उन तिथियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है मित्रों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने इष्ट मित्रों को अवश्य शेयर करें। आज की बात समाप्त। ओम नमस्कार, ओम शांति।